हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरे पास ये कमेंट आया था कि हम अपना सेविंग अकाउंट है उसमें आखिर कितना पैसा हम जमा करके रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में मैं चलिए आपको सेविंग अकाउंट से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको ये वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि आखिर सेविंग अकाउंट के क्या क्या रूल हैं पैसों को जमा करने से लेकर और पैसों को निकालने से लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर दें। सबसे पहले मैं आपको यही सारी चीजें क्लियर कर दूं, जैसे कि अगर आप उसका एक एटीएम भी चलाते हैं तो एटीएम की जो एसएमएस फीस है वो अलग जाती है और एटीएम कार्ड की जो फीस है वो अलग जाती है, ठीक है। जो कि आपको यहां पर 46 रुपए या फिर 42 रुपए जो कि आपको एसएमएस चार्ज के देने होते हैं सालाना, ठीक है। इसी के साथ में आप एटीएम कार्ड है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल यूज कर रहे हैं या फिर आप सेविंग का जो कि सादा कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके कार्ड पर भी फीस लगती है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि आखिर एटीएम कार्ड से कितने पैसे निकाल सकते हैं। तो आप एक दिन में 20,000 रुपये निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड से, और इसी के साथ में कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं हम एक दिन में, ठीक है। तो ये आपकी एटीएम की जो बात थी वो यहाँ पर क्लियर हो गई। इसी के साथ में जो कि एसबीआई का एक यहाँ पर डेबिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो उससे हम कितने पैसे निकाल सकते हैं, तो उससे निकाल सकते हैं 50,000 और उससे ट्रांजेक्शन कितने कर सकते हैं हम 10 है कि चेक के द्वारा हम कितने पैसे निकाल सकते हैं, ये निर्भर करती है कि आपकी जो चेक बुक है उस पर आखिर कितनी लिमिट दी गई है, ठीक है। ज़्यादातर मैंने यहाँ पर देखे हैं 10 लाख के ही चेक होते हैं, क्योंकि मेरे भी पास यहाँ पर चेक बुक है तो वहाँ पर मैं अपने चेक से यहाँ पर 10 लाख ही रुपए निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आपके चेक की जो लिमिट है वो यहाँ पर अधिक हो, ठीक है, तो ये आपके चेक के ऊपर निर्भर करती है। अब बात कर लेते हैं हम नंबर 2 ब्याज पर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो पैसा है हमारे बैंक खाते में होता है और हमें यही पता होता है कि भाई जो बैंक है अगर हमारा पैसा है वो खाते में पड़ा है तो वो पैसा है वो हमारा पैसे के ऊपर जो ब्याज दे रही है बैंक, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए मैं आपकी ये भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि जो पैसा है अगर आपके खाते में 1 लाख रुपये है, ठीक है, तब 1 लाख पर वो आपको यहाँ पर ब्याज देगी, ठीक है। 1 लाख से अगर अधिक है फिर भी आपको यहाँ पर 1 ही लाख पर ब्याज मिलेगा। इसी के साथ में अगर आपके बैंक खाते में 10 लाख रुपए है, ठीक है, तब आपको उस पर आयकर देना होगा। कहने का मतलब है आपके खाते में अगर 10 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको आयकर यानी कि सरकार को आपको टैक्स देना होगा। लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम ना दें तब क्या कर लेगी सरकार, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ आपके खाते से वो ऑटोमेटो ही वहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि आपके पास एक सिर्फ मैसेज आएगा अगर मैसेज की सुविधा है वो चालू है तब, ठीक है, क्योंकि मेरे भी पास यहाँ पर आया था, ठीक है, तो वो पैसा है वो सरकार को आपको देना ही होगा, ठीक है। इसी के साथ में चलिए लगे हाथों मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जैसे कि अगर आप 1 साल में 50 लाख का ट्रांजेक्शन कर देते हैं, 50 लाख का कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप मोटे मोटे यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर देते हैं मंथ में 5-6 लाख का या 7 लाख का, तब भी आपका यहाँ पर बहुत ही आराम से पहुँच जाएगा 50-60 लाख पर, ठीक है, साल में। तो ऐसे में यह है कि आपके पास एक गवर्नमेंट की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से यहाँ पर एक मैसेज आएगा टैक्स को लेकर, ठीक है, कि जो आपका खाता है वो आपको यहाँ पर टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, अगर आप टैक्स भरने के पात्र हैं तभी आप टैक्स भरेंगे, वरना आप टैक्स नहीं भरेंगे। तो ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे के पैसे अपने खाते में डलवा लेते हैं या फिर अपने पैसे फिर हम दूसरे के खाते में डालते हैं फिर अपने खाते में ले लेते हैं, तो ये करना आप यहाँ पर बंद कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। और ये जानकारी 2024 ही तक है और हो सकता है आने वाले समय में आकर ये जानकारी चेंज हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो इसको लाइक करें, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।